गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्विजलकोण मध्ये बद्ध संवीत समुद्रम धृतक्षेमे गात्रम साधकानुग्रहार्थम श्रुति शिरसि विभ्रांतम बोध मार्कांडम क्षमितिम ऋषभम श्री गुरुम भावयामि। भृत्यम भुजे कर्णिक मध्य संस्थम सिंहासने संस्थिति विमूर्ति ध्यान गुरुचंद शीला प्रकाशम चतुष्टिका प्रतवनदान श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि श्रीनाथादि गुरुत्रयम् गणपति पीठत्रयम् भैरवम् सिद्धकोटपटुकत्रयम् पदकम् त्रिविक्रमण्डलम् वीराणां चतुष्षष्टकम् वीरावली पंचकम् श्रीमन् मानन मंत्रासीतम् वंदे गुरुर्मंडलम्। हम सारे गुरुमंडल को नमस्कार करते हैं। जितने भी गुरु आज इस क्षेत्र में हैं हुए हैं उन सभी को हम प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम आरम्भ करते हैं। मैं भजन मंडली से एक प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छा सा गुरु भजन पहले सुना दें जो आह्वान मंत्र के साथ गुरु के प्रति समर्पण हो, उसके बाद मैं मेरा प्रवचन आरंभ करूंगा। परम पुण्य सदगुरुदेव स्वामी विठलेश्वरायण जी डॉक्टर नारायण दत्त सिंह मणि सदगुरुदेव जी के जन्मदिनोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पधारे हैं और विशेषतः मैं ललित मोहन और उनके परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि ललित मोहन मुझे अभी नहीं 1982 से 86 से लेकर हैदराबाद में थे और उनका मेरा परिचय जब से बना हुआ है। गुरुजी के जितने भी हैदराबाद में शिविर हुए वे सभी शिविरों में उन्होंने मेरा साथ भी दिया है और शिविर को उन्होंने शिविर में भाग भी लिया। उनका और मेरा संबंध बहुत गहरा है, लेकिन उनको बढ़ते 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 आज उनकी वो स्थिति आ गई कि आज वे शिविर करने के लायक बन गए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही वृद्धि का प्राप्त हो। उनके पुत्र पत्नी सभी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ ही साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। मैं पूर्ण आनंद के साथ करता हूं कि उनका इसी प्रकार की वृद्धि हो और वे गुरु कार्य करते रहें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ आज का यह कार्यक्रम आरंभ करता हूं। पहले आज अमावस्या आरंभ हो गई है और कल सुबह 10 बजे तक साधारणतः हैदराबाद के आश्रम में जब भी अमावस्या आती है तो हर अमावस्या को हम कि साधकों की जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो ग्रह बाधाएं हों, पीड़ाएं हों, प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधा और कोई भी हो, ऐसी बाधाओं के निवारण के लिए हवन करते हैं। उन्हें निःशुल्क हवन किया जाता है। आपकी समस्या कोई भी हो उस समस्या का निवारण करने के लिए हम हवन करते हैं। और मैंने ललित मोहन जी से कहा था कि आज भी ऐसा ही हवन यहाँ करवाएंगे। जिनको भी अपनी किसी भी प्रकार की बाधा है वो बाधा बोलते हुए हवन की सामग्री डालनी है और उसके बाद घर में और ज़्यादा ही समस्या हो, जैसे व्यापार ना चल रहा हो, बच्चे ना सुनते हो, नौकरियां नहीं मिल रही हो, शादियां नहीं हो रही हो, या किसी कोई भी कारण होगा, वो ग्रह की बाधा होगी या कुछ भी होगा, तो वो लोग आखिर में एक नारियल पूर्णाहुति में डाल सकते हैं और जिनको नहीं है वे केवल हवन सामग्री ही डाल सकते हैं। ऐसा ही एक हवन का विधान निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद अपने आश्रम में सम्पन्न करता है। इसके बाद आज की एक विशेष साधना है, इसको चैत्र अमावस्या कहा गया है। इस चैत्र अमावस्या को तारा महाविद्या की अमावस्या भी कहा जाता है। तारा महाविद्या जो कि अपने को स्वर्ण प्रदान करने वाली है, अपने को धन धान्य से परिपूरित करने वाली है, हमें विद्या प्रदान करने वाली नील सरस्वती है। अपना भय निवारण करने के लिए उसने एक जटाका उतार लिया है और तारा स्वर्ण तारा है जो स्वर्ण को प्रदान करने वाली है और ये बौद्धों की लक्ष्मी कहलाई जाती है। बौद्ध धर्मों में तारा को ही महालक्ष्मी कहा जाता है। हम इन सभी को दृष्टि में रखते हुए आज रामनवमी के दिन तारा जयंती थी और आज तारा सिद्धि दिवस है, तो इस रात्रि में जो कोई भी तारा मंत्र की केवल 5 माला करके एक माला आहुति डालता है मेरा अनुभव है कि उसको इस एक महीने में जरूर स्वर्ण खरीदता है। मैं गुरु हूँ, मैं अनुभव के साथ कहता हूँ, जिसने तारा इस आज के दिन यह तारा मंत्र से आहुति तारा मंत्र की 5 माला जप की और एक माला आहुति डाली वह निश्चित रूप से और उस स्वर्ण को जो अपने घर में निरंतर रखता है उस घर में कभी स्वर्ण चोरी नहीं होगा, न चरण स्वर्ण का कहीं जाएगा, स्वर्ण बढ़ता ही जाएगा, ऐसा कहा गया। और यह नील सरस्वती विद्या को प्रदान करने वाली, अपने बच्चे के पास विद्या ना हो तो विद्या प्रदान करने वाली, यश कीर्ति प्रदान करने वाली और सभी विषयों से अपने को वृत्तिगत साधना प्रदान करने वाली कही गई। इस प्रकार हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में यह प्रार्थना की थी कि उतनी दूर से हम आए हैं तो हम गुरु कृपा से कुछ न कुछ ले जाएंगे। तब गुरुजी ने अपने